मरतबा फिर मौजूद हैं आपसे। अगर आज से 15 दिन पहले आप चले जाएँ, इस इलाके में गलियों में 5-5, 6-6 फुट पानी मौजूद था। यहाँ की मोहल्ला कमेटी के लोग, सैयद हसनैन बुखारी और आपका नाम भैया वकास भाई और दीगर लोग, उन सब ने मिल के अलसमद मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी और पाँच, आप यहाँ देख सकते हैं, अलसमद मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हमने एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। यहाँ की जो लोकल इंतजामिया है और जो यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सब के तआवुन से और अलसमद मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, और यहाँ हम फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आई के हवाले से भी हमने एक सेटअप यहाँ किया है, नज़र भी टेस्ट की जा रही है और जिनके लिए पॉसिबल है उनको नज़र के चश्मे भी फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब इस कैंप में हम अंदर क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आइए हम आपको लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले, चलने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे दरमियान चैनल 4 और चैनल 94 टीम मौजूद है मीडिया की, हम आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं कि आपने इस फलाही रफाही खिदमत के इस काम को उजागर करने के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए, और खुसूस बिलखसूस अशरफ गनी साहब ब्यूरो चीफ हैं, इस एरिए में बहुत अच्छा काम करते हैं, आप हमारे दरमियान तशरीफ लाए और इस तमाम सेटअप की आप कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आइए, पेशेंट्स का टर्न ओवर है कि जो यहाँ पर आई के हवाले से, जनरल मेडिसिन के हवाले से, नज़ला खांसी बुखार और उस तमाम डिजीज़ के हवाले से हैं, जहाँ OPD हो रही है हम आपको वो दिखाते हैं। 6-6 फुट जो हम जो यहाँ काम कर रहे थे, अलसमद ने जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करी 5-6 दिन तक, यहाँ खाना पानी जूसेस जो प्रोवाइड किए, उसमें यहाँ के मकामी लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, शिराजी भाई, हसनैन भाई और उनकी पूरी टीम ने। यहाँ डॉक्टर फैसल समदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि ये तमाम मसरूफ लोग हैं, अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के यहाँ आए हैं इस वजह से कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल हो, नेक नियति का काम करें, फलाही काम करें, लोग जो तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, उनके इलाज मुआवजे के लिए कुछ अपना हिस्सा डाल सकें। डॉक्टर इमरान समदानी वकारी भाई हमारे सीनियर डॉक्टर हैं और ये हमें OPD कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सुबह हमने यहाँ 10 बजे स्टार्ट किया था और अभी तक यहाँ OPD चल रही है और पेशेंट का टर्न ओवर भी बहुत है, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे जो ये डीवी का काम किया जा रहा है, अल्लाह ताला इसको बरकत अता फरमाए और आसानी अता फरमाए। इस वक्त यहाँ पर अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और वो तमाम चीज़ें नज़र के हवाले से, आँखों के इमराज के हवाले से, नज़र की कमजोरी के हवाले से चेकअप के डॉक्टर कुणाल शर्मा साहब यहाँ आए हैं, OPD कर रहे हैं आई फैकल्टी के लिए। तो मैं बहुत खराज तहसीन पेश करूंगा डॉक्टर कुणाल शर्मा को कि आपने इतना लॉन्ग डिस्टेंस तय करके भी आप यहाँ आएँ, सिर्फ इसलिए कि इंसानियत का काम किया जाए, और ये स्पेशली इनका काम ये है कि जहाँ कहीं हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ ये बच्चे पूरा डाटा एंट्री करते हैं, इनके पास पूरा सिस्टम होता है और पूरे इनके पास हर तरह की एक बैलेंस शीट होती है जिसमें इनके पास पूरा डाटा मौजूद होता है। तमामी अहबाब जो यहाँ काम कर रहे हैं हसनैन साहब की ज़ेरे निगरानी, और मैंने तो सारे लोगों को एक ही बात कही है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों को काम आना, तो जितना हमारी ज़िंदगी में मकसद औरों के काम आ जाएगा उतनी हमारी ज़िंदगी आखरत में तवील हो जाएगी, क्योंकि नेकी के काम जब अल्लाह करीम कबूल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बरकत डाल देते हैं, और बरकत का मतलब यह है कि आपको मैदान हशर में इत्मीनान कल्ब हासिल होगा। जैसे अभी बाहर गर्मी हो रही है, सबको गर्मी लग रही है, तो ऐसे ही महशर के मैदान में भी गर्मी होगी, मगर जिन लोगों ने भी मखलूक खुदा की, असल में खुदा की मखलूक की खिदमत अव्वल तरीन फरीजा है, ये जिक्र, ये नमाज, ये अस्कार, ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात आपकी अपनी इबादत है, और खुदा की मखलूक की खिदमत करना उसकी इबादत।